अनंत लाल महाराज की जय। बरबस राम सुमंत पठायो सुरसरी तीर आप तब आयो। जब राम जी सुमंत के कहे कि सुमंत अब रथ लेके तू अयोध्या चल जा, सुमंत गईला तो जरूर लेकिन सुमंत रोवते जाता नहीं। सुमंत कहले कि चल के चक्रवर्ती नरेश दशरथ जी से हम कोना मुंह से कहब कि राम जी लौट के ना आइले। बड़ा ध्यान से सुनिएगा, लेकिन जब गई बड़े अयोध्या में तो सुना साना एकदम जगह, आ दशरथ जी वही कमरा में राम 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 रटत अड़े। सुमंत जी कहले कि कोना तर से कही कि राम जी लवट के ना आइले। देखिएगा बड़ा प्रेम से इस बात को सुनिएगा। सुमंत जी कहे गुरु वशिष्ठ के साथ में ले लेता नहीं, आ जौन बात बोले खोई वही जो बोले। बब वशिष्ठ जी के सतवा लेके गईले। सुमंत जी कहे कि कौशल्या अभी सुमंत अले कि ना। कली की महाराज बाकी सुमंत आगल बढ़े, कहले कि सुमंत के बोलावल जा। आ जब कमरा में सुमंत गईले तक दशरथ जी कहे कि सुमंत ई बतावा हमार राम लवट के अल है। कहले सरकार हम बड़ा निवेदन कैली हैं, बड़ी आग्रह कैली हैं, लेकिन लवट के ना अली। कहले अच्छा तो ना अल हाँ तो सीता के ले आल बड़ा कि ना। कहले सीतो मैया ना आल बनी। कहले लक्ष्मण लवट के अल हाँ तो कहले ना। दशरथ जी कहे कि कौशल्ये। कौशल्या कली महाराज आवाज कहे ऊंचा होता। दशरथ जी कहे कौशल्या अब हमारा कमरा में केहू लौकत नहीं बा के बा। आंख पर तुरंत पर्दा पर गई। कहले कि अब हमारा केहू दिखाई ना देता। कौना जगह बाड़ जब कौना जगह बाड़ पहले हमरे लगे आ जा। कौशल्या दौड़ के अली अपना इनके छाती पर हाथ लग के आ दशरथ जी के समझावे लगली कली नाथ आप सबर करी संतोष करी। अरे गई बड़े तो राम पुत्र हमें लवट के अबे करी है। दशरथ जी कहले कौशल्या आज हमारा दिमाग पर ही बात आ गई। अरे कमरा में केहू लौकत ना बा कहां तू बाड़ू कहां सुमंत आ कहां वशिष्ठ जी। एक चीज कमरा में दिखाई दे रहल बा। कौशल्या कली महाराज कमरा में तो कोई नहीं है। कहले एक चीज लौका था। कहली का। कहले दू गो आदमी हमारा सामने बूढ़ा बूढ़ी खड़ा बड़ा। कौशल्या कली महाराज कमरा में कोई नहीं है। दशरथ जी कहले कौशल्या तोरा मालूम ना बा जैया हमार शादी ना भेल है शिकार खेले गईली तो शब्द भेरी शब्द सुन के सरवन के अपनी बाण से मरले रहली। सरवन के बाण से मरले रहली। सरवन कहले कि कवंडल के पानी लेके जा हमरा माई बाप के पिया द। आ कवंडल के पानी जब लेके गईली तब सरवन के माई बाप पूछले कि हमार सरवन कहाँ बड़े। कहली तोहरी बेटा के अपनी बाण से मार दिल बनी। सरवन के महतारी बाप श्राप देले कि दशरथ आज जौना तरसे पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मरे तनी ताके श्राप देता नहीं कि पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के तड़प तड़प के तड़प तड़प के मर जाइबा। अच्छा ये बताई मरे के बेर हमनी के निमन चीज लौके लागे बाउर जौन बौरुका कैल बा ऊ लौकी कि निमन का नहीं बोलोगे। चाहे रुपया कितना कमा लो किसी तरह कमा लो लेकिन मरते समय जो बुरा काम आप किए हो आपके नजर के सामने वही व्यक्ति दिखाई देगा। ये आप अयोध्या कांड की कथा सुन रहे हो वही चीज वही वस्तु दिखाई देगा। दशरथ के सामने केले कहता सरवन के माई बाप श्राप देता है। कौशल्या कली महाराज कमरा में कोई नहीं है। दशरथ कहले कौशल्या जहिया श्राप देत रहे सो तहिया हमरा महसूस भइल सरवन तो अकेले अपना माई बाप के रहले लेकिन हमरा चार गो बेटा बाड़े चार गो पुत्र बाड़े कौशल्ये लेकिन मरे के बेर कोनो पुत्र के चेहरा तो दिखाइए ना देता। बहुत लोग कहला बाबा हमरा चार गो लड़का बाड़े चार गो नाती बाड़े कोनो तो कामे आई। दशरथ जी का को गो रहले चार गो। मरे के बेरिया के बेटा के हाथ से पानी पौले बाड़े। मैं रामायण बोल रहा हूं आए हैं एक घुंट पानी कोनो बेटा ना दे ले बा। हमें जे जे बुझाता बाबा हमरा कान आई बा जेकरा सजी बा वही के तो विपत्तिया बा जेकरा सब भरल बा
उसी को कष्ट है। और मानस की कथा प्रेम से पढ़िएगा और सुना रहे सुनिएगा। बोलो सच्चे दरबार की जय। दशरथ जी कहले कौशल्या हमारा सामने दू गो व्यक्ति लौका तड़े। कौशल्या कली रात यहाँ कोई नहीं है। दशरथ जी कहले कौशल्या बताओ कमरा में के नन बड़ी। कौशल्या कली रात काहे ऐसे पूछ रहे हैं। दशरथ जी कहले कि मरेग बिर का जानी आंख हमारे खुल जाओ उनके चेहरा हम देखम ना। कल के कथा में सुन ले रही। दशरथ जी कहले कि केकई तुहार पैर छुआ तनी राम के जंगल में मत भेजा। लेकिन केकई कली हमरा मांग में सिंदूर ना रही लेकिन राम जंगल में जई है। दशरथ जी कहले केकई एक बात सुन लो, त्रेता की कथा है। धरती जबले रही आसमान जबले रही तुहार नाम अपनी बेटी के केहू केकई ना धरी। ये दशरथ जी के मुंह के बाना है महाराज। अच्छा ये पृथ्वी पर कहीं अपना बेटी के नाम केहू के कई धरेला मरे जाता ना तब ईष्या करता ना। कहले के कई नन मरी। कौशल्या कल ही महाराज कमरा में तो है। कहले कवना सोझे अत गेट के दुआरी के सोझे बड़ी खड़ा। दशरथ जी कहले कौशल्या अब हमारा आंख पर पर्दा पड़ गल बा लेकिन सुमित्रा के बुलावा आ तू तनि हमारा हाथ पकड़ लगबे। मरेक बेरिया बहुत कुछ खोजल जाला इमाम वीरेंद्रो बाबा का मरेक बाहे में जे बैठल बा सबका मरेक बगना मरेक बा सब मरी। दशरथ जी आंख में पानी आंसू गिराता। कहले कि कौशल्या एक बेर हमारा हाथ पकड़ लो अब तेरा रिश्ता टूटे जाता छूटे जाता। कौशल्या कली नाथ कुछ नहीं होगा चिंता मत करें। कौशल्या के सुमित्रा के हथवा पकड़ के दशरथ जी कहले अरे हे रघुनंदन कहत पीरीते आ तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। रघुनंदन कहत पीरीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हे रघुनंदन कहत जियत बहुत दिन बीते। अभिनो जियत बहुत दिन बीते। अभिनो जियत बहुत दिन बीते। अभिनो जियत आखिरी में जब प्राण निकले के टाइम आयल तो दशरथ जी आंख में आंसू लेके कहले में जितना जनी बैठल मनी भले बेटा दुश्मन होके लेकिन मरे के बेरी आत्मा जरूर कहेगी तनी बाबू के बुला दे तनी हमसे भेंट हो जा। हमरा लड़का के बुला दे तनी हमसे मिल ले। राम लक्ष्मण जंगल में बैठे अब भरत शत्रुघ्न ससुराल में दशरथ जी के कई के नैहर। दशरथ जी कहले कि कौशल्या हे रघुनंदन कहत पीरीते आ तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। अभी ये अयोध्या छोड़े के विचार बा। कौशल्या कली महाराज कुछ नहीं होगा। दशरथ जी कहले कि हमारी आंख पर पर्दा पड़ गल बा अब दिखाई ना देता एक चीज खाली श्रवण के महतारी बाप हमारी सामने लौका तड़े। कौशल्या कली महाराज कोई नहीं है। अब ये जो तुरंत इनका प्राण देखी अब आवाजाही में आ गई। राम राम कही राम कही आ राम राम कही राम आ तन पर हरि रघुबीर बिरह राव गए सुर। तुरंत मर गई ले। मर गईला के बाद सजी खेला समाप्त नहीं होला। आज भी लिखल गई बा कि जियत मरत दशरथ फल पावा। जियले तबो अमरे के बेर रामे राम मुहे से आवा था। हे रमेड़वा में तुलसी बाबा लिखल बड़े कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कही आवत नाही। वीरेंद्र बाबा रोज कथा कहतड़े रोज प्रवचन करतड़े का जन जैया हम मरब तैया हमारे मुहे से राम निकली की। कांटा करके कथा को सुनिएगा। मरना जीना तो सबको है लेकिन मरे के बेर बहुत लोग हमें बैठल बाप जमानो दूसर हो गल बना।
मरे के बेर कुछ लोग तुलसी के पानी पिया वेले गंगा जल मुहे में डार प्राण निकल जा। लेकिन एक तुलसी चौपाई रामायण में लिखले कि सनमुख हो ये जीव मोहे जब ही आ जन्म कोट या घनासही तब ही। जन्मों जन्म का पाप दूर हो जाता है कब, जब भगवान समीप में रहते हैं जीव के समीप। तब बाली जब मरने लगा है तो भगवान सामने खड़े थे। आज दशरथ जी मरत रहे तो राम सामने नहीं बैठे। जटायु मरे लगल तो दशरथ जी सामने रह ले। बाली मरे लगल तो भगवान सामने है। आप कथा का प्रमाण केवल लेना। भक्तों को जिनका कल्याण करना है तो भगवान तो डायरेक्ट रहबे करेंगे। राम राम कही राम कही आ राम राम कही राम आ तन पर हरि रघुबीर बिरह राउ गए सुर मर गए बाबू। हमरा भरत जी एगो गीत गौले रहले, एक लाइन बजा दीजिएगा। आरी जियते न बात पूछे, जियते न बात पूछे, अरे घर के परानी अमुते दियात बा पीपर वो के पानी। हर की परानी मुते दियात बा पीपर वो के पानी। मुते दियात बा पीपर वो के पानी। मुते दियात बा पीपर वो के पानी। पाकिट में दाम तबले, बड़ा ध्यान से इस लाइन को सुने गया। पाकिट में दाम तबले सौ गो संघाती, कुल परिवार ही तो नीट बेतनाती। ओ, 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 कुल परिवार ही तो नीट बेतनाती। पाकिट में दाम तबले सौ गो संघाती हो, सौ गो संघाती, कुल परिवार ही तो मिटबे तनाती। कुल परिवार ही तो मिटबे तनाती। मेहरी मरद के जाने जवानी। मुते दियात बा पीपरो के पानी। मुते दियात बा पीपरो के पानी। मुते दियात बा पीपरो के पानी। जियते न बात पूछे, अब जियते घर के परानी। मुते दियात बा पीपर वो के पानी। मुते दियात बा पीपर वो के पानी। मुते दियात बा पीपर वो के पानी। है गीत रौरा जौन सुनली हा, ई हकीकत बा कि ना? हमें बहुत लोग बैठल बाए हल्ला है।
कितने जने मास्टर बाड़े, कितने जने डॉक्टर बाड़े, कितने जने इंजीनियर बाड़े, सुपरवाइजर बाड़े, हर पोस्ट सरकारी कोयलरी में जाके कितने जने खटल बालो। जब ले रुपया कमैले हैं तबले पतोहियो मालिक बा, बेटो मालिक बा, घर भर मालिक बा। अब बुढ़ौती आयल बा, पेंशनवा मिलता, वो पेंशनवा जाके बेटौए पतोहिया निकालता, बुढ़ऊ के हाथे में नहीं जाता। अब बुझे वाला बुझ ले भीतर, गलती नहीं बोल दी। पेंशनों का मालिक ये लोग बा, बड़ा दशा खराब भाई बाबू। जियते न बात पूछे कौनो रे परानी, अमुअते दियाता पिपरो के हत्त का घंटा बनाता। का जनो बिहार में बना लगना, हमारे तो खूब बनाता। जौन बेटा कबो माई से बोलल नाई बा, मुँह लग देरी बा, हत्त का घंटा बांध के एक बल्टी पानी डार दी, ओई में को छेदा कह दी चिरकुट डाल के, आ कही माई रे ठोपे ठोपे पी है। अब पियाऊ बाबू तोरो जमाना आई। हे मैं कितने पतो ही बैठल बाड़ी, पांच बरिस से बुढ़िया से बोल चाल नहीं बा। मर्दो अगर उकर बेटा फोन करता कि माई से बतियावा तो फोन नहीं थमावतिया, कोठा पर लेके चल जातिया, बोल चाल नहीं बा। आ उहे बुढ़िया जब मरे लगतिया, सांस टंगाइल बा, आई दादा फलाने के माई मरे जातारी, तब पतो ही जाको जो बैठतिया कहतिया, ए अम्मा जी चिन्हता नहीं हमरा बड़की पतो ही आई दादा। अब एक चिन्ह आइल बा, टाइम चिन्ह ल, अब मझली पतो ही है, अब इन पर, अब इन पर छुआ बतिया, देखौटी रो आई है, जोन बोल चल नहीं बा, तौन तौरी झटक के रोलिसो, अरे अम्मा जी, अरे बा मारे दा, अरे तोरे बखलू लेके। जीते सासू के सेवा कर ये बकलोलो, आज जैसन कर तड़ू तोहरो भोगे के बा, अरे दशरथ जी भोग तना देखा तोरा समन्वय देखाओ तानी। ये रामायण चलता, हमारी आपकी कथा नहीं है, हमनी के कथा कोनो ना बा। जिनको राम कहा है, कहे हैं लोग भगवान अखंड नायक ब्रह्म, वो भी भोगे हैं महाराज, धरती पर कोई बाकी नहीं रहेगा। इस जोनी में जितने लोग आए हैं, अगर बढ़िया करोगे तो बढ़िया होगा। एक दिन बोले थे खेते में गेहूं बोल बा, तब मटर नहीं तुराई, मटर तुराई हो खेत में गेहूं बोल बा, तब मटर ना तुराई, गन्ना बोल बा, तुम्हें सब मकई का बाल ना झिटकल जाई, कटहरे के पेड़ लागल बा उमे से नेबुआ नहीं लटकी, आलू जे जे रोपले बा आलू ये कोड़ाई में बंडा नहीं हते हते मोट मोट निकली। गलती नहीं होता, कर्म जैसा करोगे फल तो मिलना है बाबू। चाहे वीरेंद्र हो, आप हो, हमको भी भोगना है। दशरथ जी के सामने श्रवण के माई बाप लौकत लगना, राम राम कही राम कही, आ राम राम कही राम, आ तन पर हरि रघुबीर बिरह राउ गए सुर राम। मर गईले हे, बहुत लोग कहला बाबा हमरा चार गो बेटा बाड़े, चार गो नाती बाड़े, कौनो तो कामे आई, हमरा चार चार गो बाड़े, हमरा के नाई बा। दशरथ जी के चार गो बेटा रहले, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, लेकिन कौनो बेटा के हाथ से पानी पौले बाड़े, पौले पानी ना पौले। कौशल्या कई कई छतिया परे, दशरथ जी के देहिया पर गिर गिर रोवता लो, लेकिन के कई बगल में खड़ा बड़ी, कहले रहले कि के कई जहिया मर जाए तहियो हमार देह छुइया मत, पहले कसम खा लो, मर गईला के बाद शरीर मत छुइया। आयाज से यो सोच लो कि दशरथ जौना भी समय जौना जगह जई है, तोहर हम चेहरा ना देखब। चित्रकूट में के कई गईल हली, लेकिन दशरथ जी ना अल, चित्रकूट दशरथ जी ना अल, मर गईला के बादो के लीला में। अब मर गईला के बाद लंका में दशरथ जी गई हल, लंका में जब राम लक्ष्मण माता जानकी के लेके तैयारी पुष्पक विमान पर कर लो, तो दशरथ जी वहां गए लंका कांड की चौपाई पढ़िएगा। ते ही अवसर दशरथ तह आए, अब तनय बिलो की नयन जल आए, दशरथ जी पहुंचल बड़े रोवते, अनुज सहित प्रभु की न प्रणामा, रमेड़वा में कहक लाइन रौरा के देखा देव की है ये चीज। हाँ, जीवन में त्याग बहुत बड़ा चीज होता है,
और त्याग देखो एक बात समझा दे हम, त्याग अच्छे लोगों से नहीं करना चाहिए। पटजारी में दूगो जेठान देवरान बाड़ी जा, हमने पटरी रखे के चाहिए। हमारे घरे नून तरकारी बनल बात अपने बेटा के दे दी, अरे तनी अपने बाबू के दे खा के चल जा पढ़े, हे मालिक के दे दो हमारे चोखा बनल बा चोखा से खा ले, दाली हो कहते छोटको तन दे दो, इमें का लागत आ, इतनी पड़ता ही लागत आ, घर ही में बा पर्दा तो बनैले बा दुआर बनैले बा, घरवा में से निकल तरी तो मुँहवा तोप के चल तरी सोहे तारे कि हमके ना देखें जे जाति अड़ी ऊली है, हे पड़ता हुआ उतरी हे पड़े। क्या दुश्मनी है जी, कोई कुछ लेकर जाएगा यहां से नहीं, घर जाई ना दुआर जाई ना संपत्ति जाई, अरे नाम जाएगा। बढ़िया कर्म करके मरोगे तो मरने के बाद भी लोग समाज में कहेंगे कि फलाने की बहू बहुत अच्छी थी, फलाने की लड़की बहुत अच्छा रहल, फलाने की बेटी बहुत अच्छा रहल, ये कुल तो नाम है ना, तो सुंदर नाम करके जाओ। समाज में किसी से मुठभेड़ नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, जहां सुमति तहां संपत नाना और जहां कुमति तहां विपत, सुमत बना करके परिवार में रहो। वशिष्ठ जी दूगो दूत बोलवला, तनी हमरा और ताक ई लाश जौन बा घी तेल में बोरा गए, दशरथ जी के लाश घी तेल में बोरा गए, अगियो देवे वाला केहू नाही बा, दशरथ जी के जरहू वाला फूके वाला केहू नाही बा, अयोध्या के राजा हम है। तन लैकन के बोले बाबू है पड़े निकल जासो, असल में जो के मौगियनों के चालू है बानो, अपने आयल पार नहीं खेला भेज देते रहो जो वीरेंद्र बाबू खेलाई हैं, हम लैकवे खेलावे आवे तनी तने ही बर्फ वाला के कह दे और पीछे ले जा काउंटर अपन पीछे ले जाओ, यह बर्फ चाटेंगे तो बोल नहीं पाएंगे हम, अना तले आओ दो मिनट में बेचवा दी धोए देखो, पीछे ले जाओ जहां लगाते हो एकदम पीछे ले जाओ, अना तो मार्केट में ले जाकर बेच लो। कथवा के मारे आवेला हम बुझा बर्फवा कम बिकाला, कहला जो दिन होता तो दिन सुनब जरूर हम, ना बुझा नी पाछे लेके जा वो गाड़ी के सोचे खड़ा करा पीछे। बोलो शंकर भगवान की जय। दू गो दूत वशिष्ठ जी भेजा था कि जाके भरत के बुला ले। अब भरत जी अपना ममहर में रहले, जब दू गो दूत गए तो भरत जी पूछले कहा बड़े लोग, दूत कहले सरकार आप अयोध्या चली गुरु वशिष्ठ जी बोलौली हम। भरत जी कहले कोनो कारण बा, पिताजी कहाँ बानी, तो दूत कहले सरकार हमनी के रास्ते में से आव तनी, गुरु वशिष्ठ जी कहली कि भरत के लिए ओले आव, लेकिन वशिष्ठ जी कहले रहे कि हिम्मत बतैया तुहार तो पिताजी मर गल बड़े, ध्यान दे। आ जब भरत लक्ष्मण के लेके चल शत्रुघ्न के लेके चल ले, राम लक्ष्मण तो जंगल में बास, और जब लेके चल ले तो केकई आरती लेके खड़ा बड़ी कि अपने बेटा के आरती उतार, माहौल बदले जाता ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, कौनो पुस्तक कौनो कथा कौनो थी बता दे कि महिला अगर ठीक ठाक बात तो प्रसंग बिगड़ी ना। अच्छा तो इतना लोग बैठल बा, कालो ही बतिया हम पूछ लेनी, मर्दे के चलते घर के उको बटाइल बा कहीं आ? रौरा पच बता दी तो लोग चलते ना है तो लोग सजी तो पोत पद के धोल दाड़ू लोग कौन बतिया बोली हम। नारी चाहे तो परिवार को स्वर्ग बना सकती है, महिला नाम हमनी के केतनो वी आई पी बानी जाता नहीं है तक ही है, एलो का है एलो का पदवा हमनी के चरगुलना बा। वीरेंद्र बाबा कथा वाचक बड़े तो लोग इतने कही वीरेंद्र तिवारी रामायणी चाहे व्यास फलाने सिंह फलाने बाबू इतने होई कहीं ऐसा लिखल बा सुरेंद्र देव राम परिखन देव रविंदर देव अशुभग देव कहीं लिखल बा हो एलो के चंपा देवी मुन्नी देवी गुड़िया देवी टिंकल देवी सजी नवे पर देवी लिखा था और तब वो देवी वाला कार बना है। देवी बनो, हकीकत देवी आप हो, नारी का कितना हूं अवगुण हो लेकिन भगवान क्षमा लिखे हैं। नारी अवगुण नारी सदाउर रही, कितना हूं अवगुण हो
लेकिन नारी पूजनीय है, ये महिला पूजनीय है। आप सबका निवेदन हम करेंगे, कथा में जब बैठो तो अपनी लायक बात हो, सुंदर बात उसको तरीका से ले लेना। अच्छा, हमारे बात केकरा केकरा अच्छा लगा था, तन हाथ उठाए कुछ लोग कहो तोर दुश्मन है हम, उठा हाथ, ताली बजा बरिया रे। दो चार गो महिला है में बाड़ी जौन भीतरे बुझती है कि बाबा हमारी बेइज्जती करता, हमारी बतिया है। इज्जत तो हम उतना माताओं को देते हैं, सर प्रभट चढ़ाते हैं महाराज, कहीं निंदा नहीं। अगर निंदनीय बात कहीं बोले तो उसको बताना, जो है देखा हुआ लड़कवा हम सो पांच फेरा घूम बोले ना सहन है ना सहन, मास्क लगा लो बड़े तेही मार ना दे उठ के, तेही मार दे उठ के, सुने ललाई बड़ी होशियार हो। भगवती नगर रोज यात्रा लगा था, मैं आगे में बैठे लू भाई, बालकनी के टिकट ले ही। बोलो शंकर भगवान की जय। कथा ये जगह पर आज बात, दू गो दूत जब गई लें तब भरत जी कहले चल लोग चल तनी जा, शत्रुघ्न जी के लेके भरत जी जब चल लें तब के कई आरती लेके खड़ा बड़ी की पहले भरत के आरती उतार। अच्छा एक बात बताई, आज पति के लाश घी तेल में बोरल बा, आई बेटा के आरती उतारे जातड़ी, इस शब्द में इस जो कथा चल रहा है इसमें कुछ है कि नहीं है? बहुत कुछ है महाराज। नारी जीवन में सबसे प्यारा बेटा है कि पति? नहीं बोलोगे? पति हिमे जे जे बेटा पर अगर आला तन ध्यान दे, बेटा पर कब हो गई मौत, चाहे डॉक्टर हो जा, मास्टर हो जा, इंजीनियर हो जा, कितनो रुपया कमा, कितनो रुपया के बाहर आ जा, कबो बेटा पर न धो धोई हो। ई वीरेंद्र बोलतड़े, अगर धधाना है, घबराना है, अपने हस्बैंड पर कभी भी छछाना। मर्दे के चलते जौन मन करे लुगा किनवा लो, मर्दे के चलते जौन मन करे गहना बनवा लो, मर्दे के चलते जहां मन करे घूम लो, मर्दे के चलते जे तर मन करे उतर रही लो, बेटा के समाज में कबो हो पाई? बेटा तो जौन कर तने माई लोग से पूजा बुढ़िया से कौन कौन दाता होता घर ही में हुआ दाता। बेटा यही तरह को मेहरा कल से बाबा हमार तो बेटा हुआ कुल ही बेटा हुआ हमारे बेटा हुआ तो ऊ करी तोरे का कही हाँ तो दो साल से सा खूब बड़ बड़ का छती अड़ी रोले आड़ लेख है। बेटा पर कभी मत धधाना, मर्दे के जमाना बा तबले बुझिए हमार जमाना बा। हम तो यह कब हे जग भगवान जेकरी मांग में सेंदूर बा ओकरा पति के रोग बीमारी मत दी, ओकर पति टनाटन रहे, जीवन में कबो असुविधा न हो के। अगर मर्द बाड़े तो संसार है, अगर पति नहीं है तो सारा धन कोई कुछ नहीं है। तंताली बजाल बलगों ने बतिया पर भरत जी जब पहुंचल बने तो के कई आरती लेके गईली, लेकिन भरत जी जब अयोध्या में प्रवेश किए हैं तो सारा अयोध्या वासी लोग ही कहते कि भरत खातिर केकई राम के जंगल में भेजले बड़ी। पहले बदनामी के नाम के करावता, केकई का कि भरत का? पहले भरत का नाम आ रहा है, ध्यान देना। महतारी बदनाम के करे खतरे होली? मैंने बोला ना, बेटा खातिर हो, चाहे बड़का खातिर हो जा, चाहे मझिला खातिर हो जा, चाहे छोटका खातिर हो जा, कहियो तो तोहर रेर बहेर तूता मैमी होइबे करी। घरों बटाई तो एक जगह रही, बुढ़िया के समय लाइफ पूछी हो दादा। बड़ी लीला बा, सारा अयोध्या वासी लोग कहते हैं कि भरत खातिर के कई राम के जंगल में भेले बड़ी। आ जब आरती लेके गईली तो भरत देखले बड़ा सुना साना जगह, कले माता श्री अयोध्या कुछ ऐसा लगा था, कली कुछ नहीं ठीक बा, चला कमरा में, कमरा में लेके गईली, कहले कि भैया राम कहाँ बनी, लक्ष्मण जी कहाँ बड़े, माता सीता कहाँ, ई लोग बा सब के कई। कली भरत देखा पहले नाराज मत हो, हमारा बात के सुन, उत मंथरा ऐसा रहा हमार बुद्धि घुमावल सब, कार बिगड़े जात रहा लेकिन कुछ कार बना दिल बनी। भरत जी कहले कौन कार बनौले बड़ू, आ तो तोहरी पिता के लग दूगो वरदान रहल, आई दोनों वरदान आज मंगले बनी, राम के 14 बरस खतरे जंगल में भेज देल बनी तपस्वी के भेष में, आई अयोध्या के राजा तू बन गेल बड़।
भरत जी कहले बढ़िया काम कर लो बड़ू, पेड़ काट के पत्ता में पानी दो। आगे बोलो, कहली एगो काम बिगड़ल बा, तुहार पिताजी मर गए बड़े। अब पिता के मृत्यु सुन के भरत जमीनिया पर द्राग दे गिर गए। आ गिरला के बाद आंख में आंसू लेके तड़प तड़प के रोए लगले। कहले कि वरदान मांगे के टाइम में तोरी मुंह में कीड़ा काहे न पड़ गई, तोर जिहवा काहे न कट गई, कुलक्षणी कही के घर फोरनी कही के अपना महतारी के कही के हजार बात भरत बोल रहे। आ जब उल्टा पुलटा बोले लगले हैं बाबू, वशिष्ठ जी बहिया पकड़ के कहले भरत अब एकरा बाद जबान न उठैया। सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलख कहीं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि। छह गो चीज अपनी हाथ का नहीं है भरत। हमारे जितने विद्वान यहां बैठे हैं, थोड़ा समझने का प्रयास आप जरूर करिएगा, चाहे वीरेंद्र हो चाहे आप लोग। हाँ, हमारा वशिष्ठ जी समझा दिए हैं, सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलख कहीं मुनिनाथ। वशिष्ठ जी रोवा तनी, वशिष्ठ जी रो के कहले कि भरत छह गो चीज अपनी हाथ के ना बा, हमरा सामने अपने माई के उल्टा मत बोलो। पूत कुपूत हो सकेला, लेकिन माई कुमाई कबो धरती पर ना होई। माई के मरल बेटा मनावा था, लेकिन कैसनो माई होई अपना बाबू के मरल ना मनाई कबो ना। बेटा खातिर तो माई अपन प्राण दे दी हो। वशिष्ठ जी बहिया पकड़ के कहले भरत ध्यान से सुना, सुनहु भरत महावीर प्रबल, बिलख कहीं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। कहिया ले जीयक बा, कबले मरेग बा, भगवान के कृपा बा। कब हानि होई, कब लाभ होई, भगवान के कृपा बा। आ कब जस मिली, आ कब अपजस होगा, ये परमात्मा की कृपा है। भरत जी कहले का करी, वशिष्ठ जी कहले दुअरा पर लसिया इतर धैल रही, लाश धैल रही, लेकिन एगो निर्गुण के लग बा के कराही। अरे के कराही रो वाले नदिया बढ़िया इली, आ के कराही रो वाले तालाब हो, के कराही रो वाले धोती के खूंट भी जले, आके हीरो वेला पर हो मास। बढ़िया इली, बाबूजी के रोवले तालाब हो, माई के रोवले नदिया बढ़िया इली, बाबूजी के रोवले तालाब हो। अरे भैया के रोवले धोती के खूंट भी जले, भैया के रोवले धोती के खूंट भी जले, आ बहिना रोवेली पर हो शंकर भगवान की। कथा तयबाइल बतनी गौर से सुनो। गुरु वशिष्ठ जी कहले भरत तहर माई के कई के को पैसा दोष ना बा, महतारी कबो बेटा के बुराई सोची ना सकेले। आ माई कबो अगर बेटा के बुराई सोचतिया तो माई ना हा, ओके माई ना कहल जाई। कौन कलाकार देखी, माई के गीत तो हमने के सब जने गावल जाला,
एगो लड़की अपने ससुरा गए तनी हमरा और ताको रक्षाबंधन के दिने जब जा ओकरा घर में ओकर बाप प्राण से पीछे वो बेटी के माने लड़किए के सब कुछ माने इतना इज्जत करे तो लड़किया अपने नैहर गए भैया के राखी बांधे आ साल भर पहले बपवा मर गए है पिताजी मर गए हल तो लड़किया जब गए तल भाई के राखी बनलस आ राखी के बनाई में बाप जब रहल है तो कबो झुमका दे दे कबो अंगूठी दे दे एगो गहना लड़किया पावे लेकिन अब की पारी राखी बांधे गई तो न झुमका मिलल न अंगूठी मिलल एगो साड़ी दे के आ 100 रुपया भौजाई दिली कि ए बहनी लेके जा बुढ़ऊ मर गए तो बाँ के का दे आ सब रहल कुली भरल बा ओजु लड़किया फूट फूट के रोए लागल हमें बहुत जने के बाप रहल मरल बने अब बाप जौन इज्जत कैले बा तनि ये गीत के एक लाइन सुनिएगा लड़किया सोचले बा वीरेंद्र बाबा लिखल गीत जो सगरी आर भरल पूरल पूरा परिवार लागेला परिवार लागेला एगो पापा के बिना एगो पापा के बिना घरवा अन्हार लागेला एगो पापा के बिना घरवा अन्हार लागेला एगो पापा के बिना घरवा अन्हार लागेला सगरी भरल पूरल पूरा सगरी भरल पूरल पूरा परिवार लागेला पागेला एगो पापा के बिना घरवा अन्हार लागेला एगो पापा के बिना घरवा अन्हार लागेला एगो पापा के बिना घरवा अन्हार लागेला ए माई के गीत तब हजार को गवैया गौले बैलो लेकिन हमें बहुत लड़की ऐसा होई कि ओकरा आज इतना बुझात होई कि सब बटले बा लेकिन एगो पापा के नाई रहला पर हमार के बा बेटी अगर बा दमदार तो बाप कोनो बात कहिए ए बेटी तन पैंट टांग दो कपड़ा टांग दो है धो दो हौ धो दो लेकिन बेटी जितना इज्जत अपना बाप के करी समाज में कहीं इज्जत उतना पाई ना महाराज जौन सम्मान होके चाहिए वशिष्ठ जी कहें लाश उठावा भरत जी कहें गुरुदेव लाश तब उठाए दाह संस्कार कहाँ हुई हमारे परिवार का भी दाह संस्कार जो ध्येय होता है जहां राजघाट है पिताजी अभी इंस्पायर किए थे ये लाश वहीं गई थी। अब भरत जी जब लाश उठावला तो एक निवेदन करब रामानंद सागर जी जो रामायण रचे हैं रविंद्र जैन जी की आवाज है लसिया लेके जब चले लगले तो दोहावली में छंद यहां लिखे हैं वो दोहावली में रविंद्र जैन जी इस समाज को लगाए हैं और यही दोहावली का टुकड़ा है गौर से सुनेंगे कि बालेपन में पिता पुत्र को अरे ले कान्हे दुलरावे हो ये आवाज रविंद्र जैन जी की है और रामायण का सीरियल मैं बोल रहा हूं जो बोले हैं कि बालेपन में पिता पुत्र को अरे ले कान्हे दुलरावे हो उस दुलार का अंत समय में बेटा मोल चुकावे हो उस दुलार का अंत समय में बेटा मोल चुकावे हो माटी की यह काया माटी मर घट पे जल जावे हो सबसे पहले पुत्र पिता के मुंह पर आग लगावे हो सबसे पहले पुत्र पिता के मुंह पर आग
लगावे। ए बाबू, अयोध्या में राजघाट है, वैसी घाट पर दशरथ जी के ले गई ले, चिता बना के अब पांच फेरा घूम के भरत जी आगे धरा दिए ले। पिताजी के दास संस्कार कैला के बाद अब अयोध्या अपना परिवार में गई ले। जौन कर्मठ होला, सारा क्रिया कर्म कैला के बाद, ब्राह्मण भोज कैला के बाद भरत जी कहले अयोध्या ना रह। वशिष्ठ जी कहले का कहले, भरत कहले अयोध्या एक मिनट ना रह। कहले काहे, तो भरत जी कहले जहाँ लिखल बा कि जहाँ संत तहाँ तीर्थ बासु आ जहाँ राम तहाँ अवध निवासु, तो जहाँ रामे लिखे तो अयोध्या को कौड़ी के मच गई। वशिष्ठ जी कहले भरत ही का करे लगल तू तो? भरत कहले एक दिन ना रह ना, कहले अयोध्या में ना रह, तार नाम से अयोध्या लिखाइल बा, इतनी पर तो तन लेके मेड़ कटा जाओ कर झगड़ा होता ना होता, नहीं होता। कोनो मेड़ भाई काट दे वही खतरे मुड़ कटौल हो जाता, एगो भाई का पानी बहुत आ दूसरे के रोका जाता, कहे निर्णय होता नहीं हमारे यहाँ तुल होता। एनहिया नहीं हो तो लोग चैंपियन हो, हमारे भैया एनहिया जवन होता जौन कहीं होते नहीं। ट्रेनिंग हमरो रातों दिन ही है देव बनो, 40 बरस हो गई और रातों दिन कथे में है, तो ये तो जरूर हम जानता नहीं का कहल जाता। एगो भाई के देखत में भाई कहीं बा सोहनरिया के बगल में, वहीं बाके आप लोग देख रहे हैं, अंजन जी का घर है वहीं, अब तो शरीर नहीं है लेकिन रेडियो पर इस गीत को हम गाते थे, जो गीत मैं दो लाइन बोल रहा हूं। भाई का प्रेम कोई दूसरा दे सकता है कि जब जब याद आई भाई के दुलार तोहरा, जब जब याद आई भाई के दुलार तोहरा, जब जब याद आई भाई के दुलार तोहरा। बड़ा सुंदर भाव है, जब जब याद आई भाई के दुलार तोहरा, जब जब याद आई भाई के दुलार तोहरा, जब जब याद आई भाई के दुलार तोहरा। तब तब काटे धाई आंगना, तब तब काटे धाई आंगना, दुआर तोहरा जब जब याद आई भाई के दुलार तोहरा, जब जब याद आई भाई के दुलार तोहरा। मैया कोरा में खेलवली, एक दिन बोरा में झूलवली, मैया कोरा में सपना बाबू जी के एक, हमारा बबुआ हुई है नेक, सपना बाबू जी के एक, हमारा बबुआ हुई है नेक। मैया बाबू जी के सेवल नैया, एक साथ के खेवल, मैया बाबू जी के सेवल नैया, एक साथ के खेवल। रही एक अंगना तू तू गो, दुआर तोहरा जब जब याद आई भाई के दुलार तोहरा, जब जब याद आई भाई के दुलार तोहरा। तब तब काटे धाई अंगना, तब तब काटे धाई अंगना, दुआर तोहरा जब जब याद आई भाई के दुलार तोहरा, जब जब याद आई भाई के दुलार तोहरा, जब जब याद आई भाई के दुलार तोहरा। बोल दी भरत लाल महाराज की जय। हमारे विद्वान लोग थोड़ा सा शब्द को समझने का प्रयास करना, तीन गो चीज के बंटवारा ना हो सकेला, माई के प्रेम के बंटवारा आ भाई के प्रेम के बंटवारा, अब पिता का प्रेम का बंटवारा कभी हो नहीं सकता है, मेरा गारंटी है।
अच्छा तीन गो बेटा बारा तीन जगह अलगे कमात खाता रहे पर हमरे और तकी हो ओकर चूल्ही अलगे जोड़ता ओकर अलगे वो अलगे अलगे खाता रहे सो अब बोल चाल ना ही बा दस वर्ष हो गए कोनो भाई के जमुना चौराहा पर के मारे लागे तो दू गो भाई सुन ले तो बर्दाश्त कर ली है सही बोलिएगा हृदय से बोलो कोनो भाई पिता था चौराहा पर दू गो सुन ले सो तो बर्दाश्त कर ली है तुरंते जाई कि के मारल है काहे मारल है हाँ हई पाल्टी बर्दाश्त कर ली हई तीन घर के नायल बड़ी सो कहीं कुल जाए हुए पिटाए तो तारा का करे बा नहीं बुझाई भाई कभी बर्दाश्त नहीं करेगा तीन गो भाई बड़ा माई बड़कू में बा और सारा में बैठ के रोवे लगे ना तो कितनो बोल चल नहीं बा दोनों बेटा जरूर पूछे काहे रोवत रहे का भइल चल हमारे मेरो का हो गइल लेकिन पतोहियन के लीलावा अलगे ना बा का बोली का नहीं बोली बोलो शंकर भगवान की जय बड़ा लीला बाए में बहुत लीला जीवन में निमनो बात उतारल जाला भरत जी जब चले लगला तो कहले कि सजी सामग्री ले लोगे जंगल में चल जाता भैया अगर राम लौट के ना आई है तो जंगलों में राजगद्दी कमली कही दिया जाए गुरु वशिष्ठ जी चलते बनी आ जब भरत जी चले लगल तो पहले अयोध्या से चलल बने तो पहले देखी अब देखी जंगल में कोल भी मिलत है दोहावली में छंद तुलसी बाबा लिखे है कि जब भीड़ मिले बनवासीन के पूछते चल ले रहिया आ कवनी रहिया गईले भैया कवनी ठैया रहले भैया संघवा संघवा लक्ष्मण भैया संघवा रहली सीता मैया कोल भील से पूछ लगी बताव हमार भैया ये रास्ता से गईले हैं राम जी कोल भील जब भरत के रोवल देखल तो कहले भरत जी रोई म भैया पत्ता बिछावल बा राम जी रात भरी जो सुतल लेली हाँ लक्ष्मण जी पहरा दिले हाँ आ सीता मैया हवा डोलोली यहाँ चल से भरत जी जाके मुड़िया पटक दहले कहले बताव भैया हमार नाम को बोले हले हाँ कोल भील कहले ना सुतल लेना तब वो जागल लेना तब वो चल रहा तब वो जाए लगना तब वो खाली भरत है के नाम चौदह बरस राम जी के कर नाम जपले बानी नहीं बोलेंगे भरत जी का नाम जप रहे हैं जग जपे राम राम जप जे ही आ भरत सरिस के राम सने ही हमरा राम जी भरत ऐसन भाई के नाम जपतन है भरत को लिखा गया है कि सब विधि भरत सराहन जोगू रामचरित मानस में अगर दर्जा कोई दिया जाए तो भरत जैसे साधु भाई को बड़ी सुंदर कथा है और हमारे जीवन का मैंने क्या कहे आगे चल रही है कथा बढ़ रही है देखिए कोल भील बतौले सरकार है यह रास्ता है यही पर राम जी गईली हाँ आ जब चले लगले भरत जी तो इन्हें निषाद राजगुह के मालूम होगल कि भरत सेना लेके आओत है निषाद राजगुह सजी मलाहन से कलज नाव डुबा दसो नाव डुबा दे तलाक तलाक नाव डुबा दे हलसो कहलस की आवत ना सेना लेके रही हम इनका मार के गिरा दे बाज हम जाता ना राम से लड़ाई करे लेकिन निषाद राघु बुझलस ना कि भरत का करे आवत है बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए आ काम बिगाड़ो आपनो जग में हो हसाए निषाद राघु जब चलल त एगो एगो पुरनिया मलाहर लोकरा छींकी आई रमेड़वा में लिखल बा आ जब छींकी आई त बुढ़वा कहलस कहां जात रे तो निषाद राजगु कलस गया था भरत के मारे बुढ़वा मला कलस जन ले है कहाँ का होता का जानी भरत जी मिले अवतारे आखिर कुछ कहे अवतारे अब पहले लड़ाई करे तैयारी बना ले ले बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए अ काम बिगाड़ो अपनो जग में हो पहले जाके परीक्षा ले कलस का ले कलस एगो थाली में फूल ले ले एक थाली में शाकाहारी भोजन एक थाली में हथियार अगर भरत हथियार उठाई है तो रास्ता में मार दिए निषाद राजगुह गल बा भरत रोते चलल बड़े अच्छा पूरे रामायण में भरत जी लड़ाई कहीं कैले बनी बोलिएगा भरत कहीं लड़ाई कैले बड़े अच्छा तो इहो बता दा भरत जी कहीं बाण मरले बाण है एमे न हेतर हिला दी हो
नहीं मर ले जे सबके सबसे बड़का तोप हो अतुलित बल धामम हेम शैला भदेहम दनुज बन कृषानम ज्ञानी नाम अग्र गणयम सकल गुण निधानम बानरा नाम धीसम रघुपत पिय भक्तम बात जातम नमामी। हनुमान जी के ऊपर बाण मरले कौन बाण सी के बाण बिना फन वाला बाण। हनुमान जी ऐसा बलवान चरचरा के गिर गए। एक अलावा पूरा रामायण में बताई हनुमान जी कहीं बेहोश भइल बड़े हैं। हनुमान जी का सीमा जानने के लिए जानोगे जब तक तो बढ़िया रहेगा ना। कथा कोई खेल खिलौना नहीं है। वीरेंद्र बाबा अगर 5 साल कथा जमुआने में बोल दें तो 11 गो जग भइल बा ना। 5 बार कथा हो जा आज ही गारंटी ले रहे हैं 50% बुराइयां तो हटिए जाएंगी। नहीं हटी। हम कथा बोल रहे हैं कि संस्कार सीधे संस्कार। कथावाचक लोग आवे ला जो बोले ला बर 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 चौपाई बोलो चल गए ना के बुझल ना जानल हेते हेते लैकन से पूछा तनी पर रामायण में पढ़ ना जान तरह भले कोनो गाना गीत जाने चाहे ना कोनो मुसलमान के लड़का से पूछा कुरान शरीफ पढ़े ले तो कही ना कोनो हिंदू से पूछा कुरान अपन हिंदू के रामायण गीता पढ़े ले तो कही ना लेकिन कोनो एगो लड़का से बुरबके मेहरारू से पूछो तो वह कह दी कि मंगल भवन या मंगल हारी नहीं कह दी। अच्छा इतने पर मोदी के नाम प्रचार करे के बा इनके पहले कोनो मुख्यमंत्री के बा हमें कोनो महिला बताइए सो के बतियाई जल्दी बताई हेते हेते लड़का एगो नाती हमार साल भर के बा वो मोती मोती करेला नाती एगो बा नाम में खूबी है कि नहीं है। नहीं है स्पेशल अपने ना बना जाए। पहले तो बिहार में नीतीश जी को हम लाख लाख आशीर्वाद देते हैं जिनका घर परिवार उजड़ने से बचा दिए जो ये नशा पानी वाला काम था ना। लोग कहला बाबा अब उत्तर प्रदेश से आ जाला के तनो आई तो हो जेतर धक्का धक चलत रहो तर चली चोराइये के ना बेची लो समौर जाए लोग तो है ना बढ़ी लो। अच्छा जो काम करे उसका नाम लो बुरा काम करने वाला का नाम क्या लेना है। बोलो शंकर भगवान की जय। निषाद राजगुह जब पहुंचल तब भरत जी के रोवल देखल भरत जी के समनवा टप दे मुड़िया पटक देले कहले सरकार हमसे बहुत बड़ा गलती हो गल रहा और परीक्षा लेवे ले ली हम। कहले तो कहले कि रेवरा चली हम पहुंचाव तनी यो जगह कहा चित्रकूट में। निषाद राजगुह जाके मड़ई उड़ई जा रही अलबा जहां राम जी बाड़े आ जब चलल बने राम जी भरत जी सेना लेके तो सीता मैया राती के सुतल रही लक्ष्मण जी पहरा देत रहले आई है राम जी उठंगल बाणे वही टाइम में सीता सपना देखली तुलसी बाबा लिखले उहा राम रजनीयो शेषा जागी सिय स्वपन एक देखा बोल दी भरत लाल महाराज की। चौपाई को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे आप। उहां राम रजनी और शेषा आ जागी सी स्वपन एक देखा सीता जी सपना देखली कि भरत सेना लेके आओ तड़े आ टप दे उठल बड़ी कही नाथ 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 राम जी कहले सीते दौड़ के जाके बहिया पकड़ लेले कहले का देखलू है सीता कली सपना देखली कि भरत सेना लेके आओ तड़े अरे और तीनू महतारी बाड़ी सारा सेना जो अयोध्या के बाप रे बाप कई 1000 लोग इतने बतिया राम जी सुन ले तो ले टॉप दे लक्ष्मण से कह दे कि लखन स्वपन यह नीक न होई इस सपना नीक नहीं बा भरत सेना लेके उतरे इतने बतिया लक्ष्मण सुन ले तो ले टॉप दे धनुष मार तान ले
कहले लक्ष्मण का करे जात लक्ष्मण कहले आज उहे करब जौन केहू नहीं कैले बा कहले का करब कहले आज भरत के मारब नहीं मुंह आइए दे भरत के मार दे राम जी कहले कि लक्ष्मण पहले होश में बोला ए लेकिन का बैठावा कायदे से बोला कथा बिगड़ जाएगा बैठाओ कायदे से होश में बोला लक्ष्मण जी कहें बेहोश नहीं बानी आज कान खोल के सुन ली हमार चुनौती बा जो सहाय कर शंकर आई तो रणमारब राम दुहाई शंकर जी सहायता करे मैं तो वो भरत के मार देबा राम जी कहले मार देब कहले मार कहले मार देब तो हम सुन लो हम कुछ कहतनी जबले तू आज 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 भरत के गोड़े पर गिर के माफी ना मंगब तबले हमें जगह पर खड़ा ना हो खब जो ने भाई के नाम जब के जीनी तू के मारे के तैयारी बना ले लक्ष्मण जी कहले मारब जरूर चाहे आज जवन लिखल होई तवन होई लेकिन रौरा के देखा दे इनका महतारी अयोध्या के राजा बना दिली आयावत न जंगल में लड़ाई करे लक्ष्मण जी कूदो तना तीन तीन पुरसा देख ध्यान दे आर धन पाके गुड़ ही से ताल होई गई ले असुनी के लखान लाल लाल होई गई ले सुनी के लखान लाल लाल होई गई ले सुनी के लखान लाल लाल होई गई ले घर से निकाली दी हली देखा उनके माई घर से निकाली दी हली देखा उनके माई सेना लेके आवतन करी है लड़ाई सेना लेके आवतन करी है लड़ाई कहला बीरेंद्र जी बवाल कोई दी हले लक्ष्मण जी कहले कि जो सहाय कर शंकर आई तोरण मारब राम दुहाई हे बाबू लक्ष्मण जी धनुष बाण लेके कूदा ताना भरत के मारे खातिर तनी कथा के समझ प्रेम से जब निषाद राजगुरु भरत के लेके आयल बा हमारे भरत जी साधु है महाराज एगो बरगद के गाछी पर चढ़ के निषाद राज कहलक रुकी देख ली कि ऋषियाई लाई बालों ने तो अपने में पीटा पीटी हो जा भरत जी कहले पीटा पीटी वाला लोग करेला पीटा पीटी वाला हम नहीं है बताओ ना का बा अतः सरकार लक्ष्मण जी धनुष बाण लेके कूदत रहे भरत जी के मालूम होल बुझाता नाराज बा सब हथवा जोड़ के भरत जी पहले जमीनिया पर हड़ाक दे दहिया पटक देले आ तुलसी बाबा लिखत रहे भरत जी हाथ जोड़ के कि पाही नाथ कही पाही गोसाई अभूतल पर बुल कुटी किनाई पर बोल दी भरत लाल महाराज की जय आज भरत जी अपना भैया राम के सामने मुड़िया पटक के कहते ना कि प्रभु एक बेर ताक दी और भरत प्रणाम करते रहे राम जी कले हम नाता कर जोना भाई के नाम जप के जिए लियो भाई के सामने ही बाण उठो ले बले ध्यान से सुनेंगे भरत जी कले कि प्रभु एक बेर ताक दी राउर भाई भरत हाइल बने प्रणाम करते रहे भरत ऐसन भाई के ओर एक बेर ताक दी राम जी कहले हम नाता कब तकी है तो लक्ष्मण तकी है
लेकिन एक बेर भरत प्रणाम कहले तो लक्ष्मण जी धनुष बाण फेंक दिले, लक्ष्मण जी धनुष बाण फेंक दिले, लक्ष्मण जी जब फेंक दिले तो भरत के ही बुझाई कि बुझाता अब लाइन में हमारे लक्ष्मण लाजी हैं। लेकिन दूसरा चौपाई जब दोनों जनी नाता कर लो तो कहले मोरे शरण राम के पनही, और राम सुस्वामी दोष सब जनही, सारा दोष के खजाना हम बानी, भैया एक बेर हमरा और ताक दी। राम जी कहले लक्ष्मण ताके के होई तो तू तकी हो, हम तो ना ताकब। लेकिन जब पांच बार भरत बोल भैले तो लक्ष्मण के ही बुझाइल देखा तनी हमनी के मिलने से पहले भरत मर जी है। लक्ष्मण जी दौड़ के जाके राम जी के गोड़वा पर गिर गई ले, ध्यान से सुनेंगे, लक्ष्मण जी राम जी के गोड़े पर गिर गई ले, आ गोड़वा पर गिर के छतिया पीट के रो के कहे लगले, तुलसी बाबा लिखल है, कहत सप्रेम नाई मही आता सप्रेम लाई मई माथा, भरत प्रणाम करत रघु सप्रेम नाई मई माथा, आ भरत प्रणाम करत रघु। ये बात लक्ष्मण बोल रहे हैं, राम जी चुप, भरत चुप, लेकिन लक्ष्मण जी अपनी मुंह से कहले जीवाचार हमारे लक्ष्मण जी महाराज हैं, और पढ़े लिखे लोग थोड़ा समझने का प्रयास करना। लक्ष्मण जी अब रो के कहले राम जी से कि कहत सप्रेम नाई मही माथा, मुड़िया पटक के कहत सप्रेम नाई मही माथा, आ भरत प्रणाम करत रघु। राम जी के गोड़वा पकड़ के कहले प्रभु एक बेर ताक दी, भरत भैया प्रणाम करतले। राम जी कहले ना ताकब, लक्ष्मण जी कहले एक बेर ताक दी, कहले ना ताकब, कहले ना ताकब, तो यो सुन ली 2 मिनट के अंदर यही रुरा कोरा में हम मरे जाता नहीं, लक्ष्मण के मृत्यु शरीर उठाए भी रुरा। प्रेम तो उमरल बा हमरा लक्ष्मण के लगे बाब। राम जी लक्ष्मण के बहिया पकड़ के कहले लक्ष्मण खड़ा हो तनी, हम मरे के तैयारी ना बनावा, लेकिन पहले ही बतावा भरत से तू मिलबा कि हम लक्ष्मण मिल सकेला है। जी अपना भाई के एक तमचा मार के 2 गो गारी दे लेबा, ओकरा मुंह और ताक के बतिया ली है। अरे आज रोवेला बछरुआ यापन गैया धावेले, आप रोवेला बछरुआ जैसे गैया धावेले, आप रोवेला बछरुआ जैसे गैया धावेले, प्रभु जी धावले जैसे बचवा खातिर मैया धावेले। दौड़ के जाके राम जी अखबारी में भरत के पकड़ ला, तालबिया एक बार यारे। राम जी के अखबारी में भरत जी दौड़ के, जब भरत के कोरिया में पकड़ ले तो बैठा है बाबू, है बोल दे बैठ जा, तुम बैठ जा सीताराम, बैठ जा, पैसा नहीं चाहिए बहन, बैठो बैठो। कौन कलाकार को गीत ना गौले बा, वो कैसे बा खेत बारी, खेत बारी बट जाई अरे घर अंगना दुअरवा, पाई पाई बीरना ए आ कैसे भाई के सनेहिया बाटल जाई बीरना, कैसे भाई के सनेहिया बाटल
खेत बारी बंट जाई, खेत बारी बंट जाई, घर अंगना दुअरवा पाई पाई बीरना। ओ कैसे भाई के सनिया बाटल जाई बीरना, कैसे भाई के सनिया बाटल जाई बीरना, कैसे भाई के सनिया बाटल जाई बीरना। बोलो सच्चे दरबार की जय, श्री भरत लाल महाराज की। कथा में मेन मकसद मेन पॉइंट देख लो आप। राम जी जब अखबारी में पकड़ ले तब भरत के पहले आंसू पोछले, आंसू पोछ के पूछले कि बतावा माँ माई आवत या कि ना। राम जी कौने माई के पूछले के राम जी कौनी माई के कौशल्या के नाई हो दादा के राम के भगवान के बनावल हो। अगर अयोध्या में राम रह जाते तो उनको कोई भगवान कहता, परमात्मा बनाने वाली तो केकई है ना। कहले माई आवत या कि ना, तब भरत जी कहले माता सुमित्रा जी आ रही हैं, माता कौशल्या जी आ रही हैं। हम कहले माई के पूछतनी, कहले केकइयो बाड़ी अगवे दौड़ लावत आड़ी। माई नाई कहले केकई कहले। भरत कहले तुहार नाव धो के बोलाए। चित्रकूट में राम जी पहले सबसे पहले गोड़ के कर लगले बने केकई के पैर छुले के कही कली राम ही बताओ हमारा पर खुश बड़ा गिना। कहले हम तो उतना खुश बानी के खुशे ना होई। राम जी से पूछली कि राम तू खुश बड़ा ना, कहले हम बहुत खुश बानी। अब के कही से पूछले माता श्री तू बताओ प्रसन्न बड़ू कि ना, कली हम तो उतना कष्ट में बानी तक के 14 बरस जंगल में भेज ली तो तू माई कही के गोड़ लगल हो आ इनके राजगद्दी मंगल बनी तही के कही कही के बोलावे ले। राम जी कहले चिंता मत कर माई, हम माई ए भरत से माई कहवा दे। राम जी भरत के लगवा गईले गमछा फैलौले, कहले भैया भरत तो से कुछ मांग। भरत जी साधु हमें बुझ गईले, कहले का मांग रौरा मांगब तो हमरा जानकारी बा, 7 गो जीवन देवे के तैयार बानी हम, 7 गो जीवन दे दे, लेकिन एक चीज रौरा दे दे के कई के माई कहे के मत कहो। राम जी कहले माई ना कहब, कहले ना कहब एना ता कह माई ना कहब तला। राम जी कहले माई कहब आबे कहवाई तो ही कहब के कई के राम जी बोलौले। भरत के महतारी के कई है और राम के माई के नाम कौशल्या। राम जी के कई के बोलौले और के कई के कोरा में बैठ गई ले। अब भरत के बोला के कहले भैया भरत तो से कुछ मांगब ना, एगो प्रश्न के आंसर बता दा, उत्तर बताव तू। कहले बता दे, कहले इतने बता दे हम के करी कोरा में बैठल बानी के कई के कोरवा में। राम जी बैठ के भरत से कहले कि बतावा के करी कोरा में बैठल बानी। भरत रो के कहले प्रभो चाची तो कहम ना, मौसी कहम ना, बड़की माई कहम ना, ओरिजिनल हमार माई है। कहले रौरा माई के कोरा में ताल भी जाएगा बरिया रे। अच्छा रौरा 11 बरस से मंच पर कथा सुनत हो गल बा, यहां जितने पढ़े लिखे विद्वान हैं थोड़ा एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। राम जी खराऊ पहन के जंगल में गई लली, अगर रामायण में कोई पढ़े हो तो बताइएगा राम जी खराऊ पहन के गए हैं है? अच्छा तो खराऊ पहन के नाई गई ला यह हम मान ले ली। आई राम जी खराऊ भरत के देले बाण है लेके आवे खातिर आ अझुरावत कथवा अझुरा गल ना। अच्छा तो जो बड़ा बढ़िया व्याकरण के पढ़ने वाले हो, मास्टर हो, जो रामायण को अध्ययन किए हो, वो बताएं कि राम जी खराऊ पहन के गए हैं नहीं गए हैं। इधर पढ़िएगा, तापस बेश विशेष उदासी आ 14 बरस राम बन बासी। फिर लिख रहे हैं राम लखन सिय बिनु पग पलही, बिना जूता चप्पल खराऊ के राम जी गए हैं। तो जब खराऊ लेये नहीं गए तो दे कहां से दिया ले? कथा झुरा गई। ओ ओ ओ जंगलवा में खराऊ फेंकल है,
होते जेल है 11 वर्ष से तक कथवा होते बा, लेकिन जौन हम बोला वो के सोचे पड़ी ना। ध्यान से सुनिएगा, ये प्रश्न का उत्तर हम बताएंगे। खराऊ कब गया है, कौन ले गए हैं, कैसे मिला है, ये खराऊ बोलेंगे हम। व्यास गद्दी से बोल रहे हैं तो आप मानस से रामचरितमानस की चौपाई को सटिक देंगे आप। आज तक जो नहीं सुने हैं आज हम वही बताने के लिए तैयार हैं। आज कथा केकरा केकरा बढ़िया लगल बतन हाथ उठाए, तलिया बजा ल बरिया रे। ये पिक्चर के तनी इंटरवल कल चाह तनी हम 2 मिनट खातिर। खराऊ का चर्चा हम बताएंगे, राम जी खराऊ अभी यहां से कैसे का हो रहा है, लेकिन आज कथा जेकरा जेकरा बढ़िया लागल बा, पंडाल में जितने लोग आए हैं यहां से सबका प्रणाम मुझे है, हम सबको प्रणाम कर रहे हैं। वही बिना करवा बिगड़ जाला, 100 रुपया 50 रुपया 200 रुपया जेकर लग जौन बा तनी खड़ा होकर लेके आ, हमारे हाथे से 100 रुपया लिया जा, 50 रुपया चाहे 20 रुपया, पुरुष वर्ग के लोग सभी लोग आ जाए और उसके बाद जाके बैठ जाए, हम कथा फिर बोलेंगे। आज कथा आधा घंटा ज्यादा बोलेंगे, हम कथा बंद नहीं करेंगे, आदेश आया है। खड़े हो जाइए सभी लोग, सभी लोग खड़े हो जाए। सीकर बिलाइल बा, हम का बोले ली, हम तो रोज बोले, का नाम बा बाबू? अर्पित पांडे, 201 रुपया। मुन्ना कमाई, चलो निम्न रह, 1 घंटा लागी खड़ा हो, तो मैं 3-4 घंटा लग जाए कि ना दादा, मर्दन के खड़ा भैले में इतना टाइम हो है, मर्द लोग के खड़ा भैले में इतना टाइम धर, महिला के ना आवे, का ना हो बा? झूलन कमाई हो, चलो तो 50 बार जी हो, 100 रुपया इन हो, कारम बा हो। जोगिंदर आ गए 100 रुपया, भैया लोग आ जाए सब, चाचा लो जौने बा तौने आ जाओ, आ जाके बैठ जाए प्रेम से। है ये बैठल बा ते क्रिया खा के बैठल बा का, जे बैठल बा ऊ क्रिया खा ले बा एकदम। धर 51 रुपया, राम कृपाल मिश्रा जी 100 रुपया, धर बाबू जी, का ना हो तो ही लिखवा उतरल हमसे न, चल निम्न रह, यो गावे वाला कतना अर्थिया लिख दे, चलिए बाबू लोग निम्न रहे परिवार में मंगल हो को, 11 रुपया 25 रुपया। खराऊ का चर्चा सुनाएंगे, बैठिए आप, खराऊ का चर्चा हम बोलेंगे, जो नहीं सुने उसी को बोलेंगे। 51 रुपया 21 रुपया, धरा हो जो धर जा, 50 रुपया 25 रुपया 10 रुपया 15 रुपया 11 रुपया 21 रुपया। हम मोबाइल देखना बाबू, पारा जी गिर जाएगा, थोड़ा और बगल में कर लो इसको। भगवती नगर से लोग आजू आगल बा भाई, जहां भी हमारे सीकर जे चोरा के ले जाला बोलन कैंसर होला। हो जी, हम कई जने के थहले बनी, चोरा के सोना ले गए पर वो जोगी में से 5-6 जने के कौन ले बनी हम लोरी। 21 रुपया 11 रुपया 20 रुपया 50 रुपया 10 रुपया 15 रुपया। अरे निराले जे ऋषि अले बा, वो दे दे 5 रुपया। हाँ आई बाबा, आई आई, अभी कथा चली, बैठल जा, बिहन भर और प्रवचन बा लास्ट दिन, वीरेंद्र बाबा के बिहन आखिरी दिन के विदाई हो। हाँ कल मोटरसाइकिल के चाबी गिरल बा, चली रूपी बगही, चल निम्न रह, चौहान आगल बने 20 रुपया दो दो, आ जाओ बनावा जल्दी आव, बैठ जाए के बैठल जा, बढ़ जाई बाबा या चाचा बैठे के तन बढ़ जाई, कथा बिगाड़ी सब है मौत। का नाम बा? बिंदा देवी। महिला लोग खड़ा हो जा, महिला लोग, महिला लोग खड़ा हो जा, आओ लो सब जानियो। हाँ धरा जा, धरा हो जो फेंका जा, पति चमकत रहे, बेटा निम्न रहे, हे भगवती माई दुर्गा माई शंकर भगवान 33 करोड़ देवता आये बने, सब है खड़ा हो जा, एक जनी बहटी आई मत आज सब, ए पर धरबू, ए पर ना नीचे धैलू, और चाउर नीचे धर, 21 रुपया 11 रुपया 20 रुपया 25 रुपया 50 रुपया धर जा,
हाँ 100 रुपया धर एक वही में से ले लो, 100 को धो के 150 फेर लो डेरा मो जितना मन करे जमा करो में से निकाल लो। हाँ का कही कतर फेरी तो में गोन के उल्टा फुल्टा को के फेर लो धर 21 रुपया 11 रुपया 50 ये जो धान दो उठाई उठाई तोप के हलो माला वाला वाला मारे करा के दिखावा कलिया जने देखौली का छत चल गईली सोना का सीकर या माला टोप के चला लोग उघार उघार चल तड़ू जा। हाँ कल बुढ़िया के 21 रुपया 11 रुपया 5 रुपया 10 रुपया 15 रुपया सोना महंगा हो गया बाई तरी पर हाँ एगो खिल किने जाइबू तो बुझा जाई धर 50 रुपया 20 रुपया 10 रुपया ओ जो धर जा ना पति चमकत रहे बेटा निम्न रहे हे देवी माई हे भगवती माई और घर के रोग बीमारी हटाव घर वो जो धर ना निम्न रह चल हथवे बाबू ई सब भगवान के बैंक में जाई धर जा ओम प्रकाश का माई चल धर लोग धर छोटे लाल कमाई हो छोटे लाल कमाई अपनी बेटा का कमाई 50 रुपया चढ़ाई धर 21 रुपया 11 रुपया धर जा धर धर बढ़ जा भिड़िया लाई लगा दे लोग वही में तुरावे का जने के है। हाँ देखिए वही में सब ऐसा सधुनिया ना बाड़ी कुल यही में जौन बड़ा मॉडल में बाबू है तुरत या मॉडलवे नोचत या। हाँ और बुझत नहीं बा बर्बाद हो जाए धर चल बा ठीक बा 21 रुपया चाउर सीधा नहीं लेके आ लो जा चल रविंद्र कुमाई निम्न रहे धर हो जी धर पति चमकत रहे बेटा निम्न रहे नौआ नहीं बोलब तब श्री बदवा सबके देता नहीं अपन नाती निम्न रहे बेटा निम्न रहे पति चमकत रहे बोरा में नोट लेके जगी में आवा जा चल ठाकुर जी के कृपा बनल रहे। हाँ पैसा तो नहीं सरकार बाबू हेरा बटोर के कह दी ये लोग का कोनो भरोसा नहीं का पैसो ले ली लो। हाँ जब सीकर तुला जाता तो कौन ठीक बा काले को लड़का मुठ्ठा लगावे जात रहे जो के उन्हें लेके भाग हुए ही में से। हाँ 21 रुपया 11 धर जा लोग खाली फुट करे आयल बा काया जी हो कहो 150 नहीं ले बड़े लोग। अरे बाप हो बाप जमुना में 100 के नोट 500 के नहीं चला था ना बन हो गल 100 रुपया चढ़ल चली पति चमकत रहे बाबू लोग निम्न रहे 100 50 धल जाला बाप हो बाप हे सुनो नोट आवता 3 टुका को के पर धारा जाता हम 50 के 3 टुका भोल बा देखा तनी बड़ी बड़ी लीला बा। हाँ जितना सौरल पाकल बा लिया के वीरेंद्र को लगे धो दल लोग हम कैशियर हई भजावे वाला धर लोग। हाँ अब हई जेना याल बा काहे ना खड़ा होतल लोग हई जेना याल बा नहीं खड़ा भइल जा सब जानी जेना याल बा हल्लू खोकल बा आव जेना याल बा आ जा। अरे बड़ी बोले पर तक कटाई दुखा गई। हाँ का नाम बा पोखर न तार ना हाँ तार नाम हम जान गए बानी पोखर जिया ये पोखर 101 रुपया का नाम बा है का बरजेंद्र की माता जी 100 रुपया इन्हों का माई बाप कुछ जानी के नौगा धोले बा न एगो लड़का के नाम बा चोथू ओ जगिया में रोज बोलवावे ओकर माई ए बाबा हमारे बेटा के नाम चोथू हो दीपक कमाई चल तो निम्न रह परिवार में मंगल हो खो आ जा लोग नाव जेनाई अलबा धीरे से आ जा बटियावे मत हमारा लौकाता हो देले 50,000 भीड़ रहे तब तो चिन्ह लेनी के कहाँ बैठल बा आज 6 दिन हो गए लेकिन ये मंच पर केरा संतरा अंगूर का जानिए जवार में बिकाला खाला लोग कि नाई ठाकुर जी के फल लेना ही कहियो चढ़ल भाई दादा हाय रे जमुना हा चल जमुना हा जमुना है बा जमा के धो दे तड़ लोग। हाँ 21 रुपया 11 रुपया 20 रुपया
25 रुपया धर जा। पति चमकत रहे, परिवार में मंगल होखो, ठाकुर जी का आशीर्वाद बनल रहे, भगवती माई कृपा करें। जेनाई अलबा भिड़िया कम हो गल भाई, आ जा लोग, आओ 10 रुपया 11 रुपया निम्न रह 5 रुपया चलो बैठ जाइए, थोड़ा कथा बता लें हम। बैठिए बैठ जाइए, जे नाई आ पौले बाबू आ जा। अभी तोलो बाकी है बाड़ू। चलो पति चमकत रहे, बाबू निम्न रहे, ये का नाम बा प्रेम कुमार की माई 101 रुपया, बाबू निम्न रहे, परिवार में मंगल हो खो। अच्छा तो जे खड़ा बा बढ़ जाओ बढ़ जा, का नाम बा हो हृदय आनंद ही जूस बाड़ा चोरा हस। चल निम्न रह, बड़हन नोटे जुनाई गिरता का जाने का हो गए बा, अरे 2000 के नोट तो हम मांगी नहीं सकली, कबो गिरिए ना पाई। मोदी एगो नहीं चलो ले ललकी नोटिया, ओ जो गिरल है 8-9 नोट अब अगही में हो जो रात गिरल है, बाप हो बाप 70-80 हजार चढ़ावा रहल, 80 हजार रुपया के चढ़ावा ओ मुसहरी के बगल में बा कौन जो बिशुनपुरा, 80 हजार रुपया रात चढ़ल है जो पता करी है तना नोट का जाइल है 11 हजार 21 हजार 5 हजार मार रुपया का बाढ़ आ गए। केहू बा कि नहीं 500 रुपया के बोलवा सकेला, पनसहिया नोट 4 जाने हो जा 2000 हो जा 500। अब देखो बोले पर ना हमारा गर्मी उतर जाइए, 500 के नोट के लगवा बा एगो 500 नहीं के बोलवाई। अरे भाई जमुनाहा में 500 के नोट के लगवा एक जने आई ना केहू जानी 500 के तो है 500 ही ना है को के है नाम नहीं बतेगा रामेश्वर पांडे कौन है जगह से बात मझोली हम तो कहबे करिए रामेश्वर पांडे ताल जब ताल भी ज्यादा बढ़िया रे 500 ये 1 रुपया देखते बानी जय जय नमो बोल दी नयन ठाकुर मझोलिया ताल 501 रुपया खाली मझोलिए के आई बड़ा मेहनत से कमाई लो लका रुपया जी नाम बोली तारकेश्वर की माता जी ना बहन तारकेश्वर की बहन है ताली बजा यार 501 रुपया पीछे बैठल बनी कह तनी जे भाई कारण का बा नमो हरमदास गुप्ता मझवलिया ताली बजा यार 511 रुपया कहना हो अर्पित पांडे जयसौली मंगली हाँ 2000 मिलल बा 2100 और मांगली ता संस्कार को ले ले आ जब चले लगले तो अपना चतुर मंत्री लोग के बोलोले राजा के बने वाला रहल राम जी राजा राम जी बने वाला रहले हैं आ सारा सामग्री धैल रहे मंगा के मुकुट से लगाए बढ़िया वस्त्र ए बाबू चले वो सारा सामान धैल है भरत जी कहले जंगल में चल जाता भैया से निवेदन कर अगर ना आई है तो जंगल में राजगद्दी के मलिके ही दिया जाए इसे सारा व्यवस्था आप समझ लेंगे। ये भरत जी बोल रहे हैं का कि साजी ले हु सब तिलक समाजू अब नहीं देव मुनि राम ही राजू देव मुनि
पढ़े लिखे हमारे विद्वान वर्ग के चाचा बाबा बैठे हैं, थोड़ा शब्द को समझ लें। साज ले हु सब तिलक समाजू, अब बन ही दे बमुनि राम ही राजू। जितना तिलक का सामग्री आया है, राम राजा बनने वाले थे, सब लेकर के चलो जंगल में। निवेदन किया जाएगा अगर राम नहीं आएंगे तो जंगल में राजगद्दी की मलिकाई दी जाएगी। आई है बतिया तब भई, बड़ा निहोरा भइल, बड़ा सिफारस भइल, लेकिन राम जी तैयार ना बानी। राम जी कहले कि ये भरत, इ महतारी के वरदान बा, पिता के आदेश बा। अयोध्या की कथा माता पिता के पालन पर ही चलती है। भरत जी कहले कि रौरा अयोध्या लौट चली, अयोध्या हम राजा ना बनब। आर लवटी चला हो भाई, अवध के लवटी चलाए भाई, अवध के लवटी चलाए भाई, अवध के लवटी चलाए भाई। कहे भरत जी रामचंद्र से, कहे भरत जी रामचंद्र से, रो रो नीर बहाई, अवध के लवटी चलाए भाई, अवध के लवटी चलाए भाई, अवध के लवटी चलाए भाई। हमरा के राज बन तोहरा के दिहली, ना भल कैली माई। हमरा के राज बन तोहरा के दिहली, ना भल कैली माई। आरे राज पाट से काम न हमरा, राज पाट से काम न हमरा, तोहरो करबी सेवकाई, अवध के लवटी चलाए भाई, अवध के लवटी चलाए भाई, अवध के लवटी चलाए भाई। अरे कहे भरत जी रामचंद्र से, कहे भरत जी रामचंद्र से, रो रो नीर बहाई, अवध के लवटी चलाए भाई, अवध के लवटी चलाए भाई, अवध के बड़ा समझौता भइल, लेकिन राम जी तैयार। गुरु वशिष्ठ जी कहले भरत एक काम कर, ई राजगद्दी के सारा सामान आइल बा, तपस्वी के मुकुट पहिरावल ना जा सकेला। तपस्वी ना हवा, राजसी वस्त्र नहीं पहनावल जाई, लेकिन तपस्वी के चरण पादुका पैर में खराऊ तो दिहल जा सकेला। ये खराऊ ले अब, खराऊ है राजगद्दी पर धरे खातिर, जो राम जी के पहरावे खातिर राजा बने वाला रहले, उहे खराऊ आज भरत जी लेके गए बने। आइए खराऊ आज राम जी पैर में, जौना के पावरी कहल गई, पैर में डरले, आइए पावरी दिहले भरत, खराऊ अपना मथे पर धैले। लेकिन भाव है कि राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। सर पे खराऊ अखियों में पानी, सर पे खराऊ अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम की निशानी। अयोध्या में भरत जी गए बड़े बाबा के तौरी, बढ़ जा बाबा 2 मिनट।
नीरा गलबा रो रोटाई समय हो गलबा ले गेले त खराऊ राजगद्दी पर धैले। लेकिन अयोध्या से 9 किलोमीटर की दूरी पर नंदीग्राम है बाईपास। अयोध्या जो सड़क बाईपास जा रही है ना, इस रोड पर नंदीग्राम है। आप गए हैं, राम जी धरती पर सुतत रहले त 3 फुट गढ़ा खोलले आ गढ़ा के भीतर कुश के चटाई बिछौले। महाराज तपस्या का हमार राम कैले का लक्ष्मण कैले अयोध्या में का के कई तपस्या तो हमारे अयोध्या में रह के भरत जी ने किया है। तनि सब जने गाले भाव से कि रामा रामा रटते ऐसा बोला लोगों की तम्मू के बहरा बोली ना जा। बोलो चाप के अरे रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रामा रटते रटते बीती रे नगरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रामा रामा रटते रटते। अब भी लोग खड़े हो जाएं, भगवान की आरती होने जा रही है। आरती में सभी लोग प्रेम से खड़े हो जाएं। आ जाइए।